हेलो दोस्तों, तो हमारी ये ट्रिप होती है यहीं पर ख़त्म और अभी हम चल रहे हैं वापस दिल्ली। हम अभी हमें रेलवे स्टेशन पर और सामने वाली ट्रेन भी लग चुकी है। और मंतोष भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी बज चुके हैं 6:19 और 6:35 की हमारी ट्रेन है और ये यहाँ से लास्ट ट्रेन है, जो टॉय ट्रेन होती है ये लास्ट ट्रेन है और ये लास्ट ट्रेन हमारी है। यहाँ से ये हमें पहुँचाएगी रात को 11:30 शिमला, फिर वहाँ से हमारी दूसरी ट्रेन है दिल्ली के लिए। तो हमारा ये शिमला का ट्रिप आज यहीं ख़त्म होता है। हम फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट ट्रिप में आपसे। आप सेफ रहे, सेफ जर्नी, हैप्पी जर्नी आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, अभी हम आपसे ट्रेन में मिलेंगे और यहाँ से दिल्ली तक का सफ़र आपको दिखाएंगे। और आपका अभी तक का सफ़र कैसा रहा सर? भाई आलम भाई बताएंगे। गुड इवनिंग गाइज, जैसा कि मेरा फर्स्ट टाइम शिमला का टूर लगा था, जो कि अपनी टीम वर्क के साथ आया था, जो कि काफ़ी अच्छा रहा। 5 दिन का जो हमारा प्लान था काफ़ी बेटर गया। नई नई जगह चीज़ देखी और जो ठंड का एक्सपीरियंस करा बहुत बेटर था। क्योंकि मैं चाहूँगा साल में या 6 महीने में एक बार प्लान शिमला का ज़रूर करें हर पब्लिक से। तो चलिए दोस्तों, अब दिखाते हैं हम आपको अपनी ट्रेन और मिलते हैं ट्रेन के अंदर। दोस्तों ये लगी हुई है हमारी ट्रेन और अभी हम चल रहे हैं अपनी बोगी की तरफ। हमारा नंबर है D2, ये D3 आ चुका है। अभी हम चलते हैं आगे। 6:20 हो चुके हैं घड़ी के अंदर और अभी हम चल रहे हैं अपने कोच की तरफ। चलो भाई चलो। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे हम अंदर चल करके। हेलो दोस्तों, तो हम आ चुके हैं अपनी ट्रेन के अंदर और मंतोष भाई ने अपनी विंडो सीट ले ली है। सबसे पहले ये ली विंडो सीट आके और इधर बैठे हुए हमारे अरुण भाई। पहले ही विंडो सीट पे कब्जा कर लिया भाई ने। और कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है। विंडो सीट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अभी बिल्कुल अंधेरा हो चुका है और ठंड भी है, तो खिड़की तो हम खोल नहीं सकते क्योंकि ताज़ी हवा लेने के चक्कर में अंदर की सारी हवा ख़त्म हो जाएगी हमारी। तो चलिए दोस्तों, एक बार आपको ओवरव्यू दे देते हैं हम अपनी ट्रेन का। दोस्तों ये है हमारा कोच जो कि काफ़ी छोटा होता है। ओवरव्यू, ये छोटा सा ही कोच होता है। हमारे जो थके हुए सिपाही जिन्होंने कंबल ओढ़ लिया है, कंबल दिखा दिया जाए इनका, ये ठंड की चपेट में आ गए हैं दोनों के दोनों। दोस्तों तो अभी हमें ट्रेन में, जो कि ट्रेन चल रही है और करीब 10 बज चुके हैं, 12 बजे तक हम कालका स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। और ये मंतोष भाई आराम करते हुए, इधर अरुण भाई सोते हुए, कंबल वगैरह सही से ओढ़ रखा है और अभी एक लोग से और मैं आपको मिलाता हूँ। और ये मैं बैठा हुआ हूँ और ये हमारे सजाद भाई जो कि फुल आराम से सो रहे हैं। और ऐसा कुछ व्यू है हमारे यहाँ का। और अभी ट्रेन रुक चुकी है, चलिए फिर चाय नाश्ता करते हैं और मिलते हैं आपसे हम कालका स्टेशन पर। लो दोस्तों, तो हमारी ट्रेन अब फाइनली पहुँच चुकी है कालका स्टेशन पर, जो कि इसका स्टॉप है। और बैग वगैरह की तैयारी हो चुकी है। चलें भाई नीचे। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं थोड़ा नीचे और दिखाते हैं कुछ नीचे के बारे में आपको। ओहो हाँ जी, ये हम आ चुके हैं ट्रेन से नीचे, आप देख पा रहे होंगे। और अभी निकल के आगे सजाद भाई, अरुण भाई, अब और कौन आ रहा है? अब आ रहे हैं मुकेश भाई और अभी सबसे लास्ट में हमारे एक भाई आ रहे हैं, मंतोष भाई। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं आगे और आपसे मिलते हैं आगे चल करके। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे अपनी ट्रेन की तरफ, जो कि है नेताजी एक्सप्रेस, जो हमें आगे से मिलेगी। और अभी हम चल रहे हैं आगे। ये जो आप देख रहे हैं इस साइड में, ये सारी टॉय ट्रेन्स का है। और यहाँ से अगर हम आगे की तरफ चलेंगे जहाँ पर हमें नॉर्मल ट्रेन्स मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे चल करके आपको दिखाते हैं हम अपनी ट्रेन। कुछ इस तरह का है रेलवे स्टेशन कालका का। एक ट्रेन भी खड़ी हुई है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में हवाई ट्रेन है जिस पर भी हम आए हैं, टॉय ट्रेन। ये देखिए गाइस, यहाँ पर आकर के
ये ख़त्म हो जाती है, इसके आगे ट्रेन नहीं जाती है, टॉय ट्रेन। और इस साइड में जो अपोजिट साइड में आप देख रहे होंगे, यहाँ से बड़ी ट्रेन वगैरह स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ से जो आप देख पा रहे होंगे, ये है नॉर्मल जो बड़ी ट्रेन के लिए हैं, वो इस साइड में है, जो कि कुछ ऐसा है। और इस साइड में आपको टॉय ट्रेन वगैरह मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं आगे और आपको आगे चल करके दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे। हमारी ट्रेन जो है वो यही है, हावड़ा कालका नेताजी एक्सप्रेस। अभी हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे और अपना देखते हैं कहाँ पर हमारा कोच, और वहाँ चलते हैं। हमारा जो कोच है वो है S10, और अभी तो फ़िलहाल B2 चल रहा है। अभी मैं आगे चलना पड़ेगा S10 के लिए। तो चलिए आपसे आगे चल करके मिलते हैं हम। दोस्तों S9 आ गया है और अगला वाला हमारा है S10। तो चलिए चलते हैं, अपनी सीट वगैरह लेते हैं। सीट नंबर है S5152। चलिए पास में ही है, यहाँ पर हमारी सीट है S10। तो चलिए हम चलते हैं अंदर। हेलो दोस्तों, तो अभी हम आ चुके हैं अपनी ट्रेन के अंदर, जो कि है नेताजी एक्सप्रेस। कहाँ से कहाँ तक भाई? कालका से हावड़ा तक। कालका टू हावड़ा। कालका टू हावड़ा। और उसी के अंदर थोड़ा सा अभी मस्ती वगैरह करते हुए। और मंतोष भाई, अभी हमारा चंडीगढ़ स्टेशन आने वाला है, हम वहाँ पे उतर कर थोड़ा कुछ खाएंगे पिएंगे, जलपान करेंगे, जलपान ग्रहण करेंगे। वहाँ गाड़ी एक्चुअली 45 मिनट रुकती है वाली, आते टाइम भी और जाते टाइम भी, तो वहीं पर हमारा खाना पीना होगा। एक्चुअली हम लोग शाम को 6 बजे से निकले हुए हैं, अभी तक कुछ खाना पीना तो कुछ खाया नहीं है, कुछ नहीं खाया इसलिए। और ये टाइम ऐसा है कि ना हम ब्रेकफास्ट बोल सकते हैं, ना लंच, ना डिनर, क्योंकि रात के बज रहे हैं 12:30। तो अब देखते हैं चंडीगढ़ पे क्या मिलता है, उसी को कुछ खाएंगे पियेंगे। और कुछ नहीं मिलेगा तो चाय पी लेंगे। चाय तो मिली। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे चंडीगढ़ पे। जैसे कि आप देख रहे हैं, रात के 1:03 हो चुके हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं अभी चंडीगढ़ स्टेशन। और जैसे कि मौसम के हिसाब से धीरे धीरे यहाँ गर्मी बढ़ती जा रही है, ठंड कम हो गई है, चंडीगढ़ में थोड़ी कम ठंड है। गर्मी नहीं बढ़ेगी, सर्दी थोड़ी कम हो गई भाई। हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हम अभी बज रहे हैं रात के 1:04 हो रहा है और हम पहुँच चुके हैं चंडीगढ़ स्टेशन। और अभी सर्दी यहाँ पर थोड़ी सी कम है शिमला के मुताबिक, और अभी हम पी रहे हैं चाय। और ये चंडीगढ़ स्टेशन पे हम पहुंच गए हैं अभी। प्रवेश भाई कुछ बोलोगे आप? हाँ जी भाई, बिल्कुल भाई, सर्दी में थोड़ा सा आराम मिल गया है। शिमला में जो था बहुत ज़्यादा सर्दी थी, कैसे कटे 6 दिन कि क्या ही बताएं, बट जैसे तैसे कट गया। अरुण भाई आप क्या कहना चाहोगे? बस 6 दिन में बहुत मज़ा आया, वापिस रोज़ की ज़िंदगी जीना है, ऑफिस जाना है, घर आना है, ऑफिस जाना है, घर आना है, जो खत्म हो रही पुरानी वाली ज़िंदगी हमारी होने वाली है, वही पुरानी घिसी पिटी ज़िंदगी। ये सब तो आगे चंडीगढ़ स्टेशन है, यहाँ पे काफ़ी शांति बनी हुई है अभी। चलिए दोस्तों, पीछे से दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये है वो चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन, जहाँ भी हम खड़े हुए हैं। और ये हमारी ट्रेन जिससे अभी हम आगे चलेंगे। और ये मंतोष भाई हमारे और अरुण भाई हाथ हिलाते हुए आ रहे हैं, चाय पहले इन्होंने ख़त्म कर दी अपनी, और मंतोष भाई धीरे धीरे चुस्कियाँ मार रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, चंडीगढ़ स्टेशन ये बता रहे हैं, ये है चंडीगढ़ स्टेशन जंक्शन का। और ये पीछे हमारा ट्रेन है हावड़ा टू कालका का, ये सीधा हावड़ा पे जाके रुकती है, यहाँ से ये कालका से बन के चलती है और हावड़ा पे जाके ख़त्म होती है, हावड़ा हमारा कलकत्ता के पास। चलिए दोस्तों, चलें तो मंतोष भाई फिर। हाँ चलिए चलिए, आगे मिलते हैं आपसे चल करके। हेलो दोस्तों, तो अभी हम फाइनली पहुँच चुके हैं ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। सो अभी हम बाहर चलेंगे और वहाँ से अपना अपना सवारी पकड़ेंगे अपने घर के लिए। और अरुण भाई आप कैसे जाना चाहेंगे घर? ऑटो से जाएंगे। अच्छा, वजन ज़्यादा, वेट ज़्यादा हो रखा है, तो भाई जाएंगे ऑटो से। और शहजाद भाई आप भी? मैं भी ऑटो से ही जाएंगे, ऑटो से ही। चलिए फिर हम मंतोष भाई और हम अपना हिसाब से आप देखते कैसे चलते हैं।
हमारा सफ़र काफ़ी अच्छा रहा, घूमने में काफ़ी मज़ा आया और हम दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली में भी काफ़ी ठंड है अभी, और अभी हम बस स्टैंड की तरफ चल रहे हैं और देखते हैं बस मिलती है या नहीं। अगर बस नहीं मिली तो फिर ऑटो करेंगे। तो चलिए चलते हैं, बस चलें। चलो भाई, सुबह के 6 बजे भी काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो रखा है, जो कि हम अभी हैं ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, और सर्दी भी ठीक ठाक है। दिल्ली की सर्दी थोड़ी सी बढ़ चुकी है और हम चल रहे हैं गेट की तरफ। बाहर चल के आपसे मिलते हैं हम और करते हैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म, और ये जो हमारा सफ़र है वो भी यहीं ख़त्म होगा, और फिर प्लान करेंगे नेक्स्ट कहाँ चल रहे हैं। दोस्तों सभी लोग अलग अलग जगह से आए हैं, सभी लोगों का हमने रास्ता देख लिया है और मैं और मंतोष भाई बचे हैं, जो कि अभी हम लोग एक साथ जाएंगे। अब देखते हैं आगे कैसे जाते हैं, बस से या फिर ऑटो से या फिर टैक्सी से। हैं मंतोष भाई? हम बस से ही चलेंगे क्योंकि अभी टाइम हो चुका है, 6 बज गए हैं और 6 बजे बसें मिलना शुरू हो जाती हैं दिल्ली में, और दिल्ली में भी काफ़ी ठंड है, काफ़ी हवा चल रही ठंडी ठंडी, तो हम चलते हैं बस से अभी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपना ये ट्रिप एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी ट्रिप में। ठीक है, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्रिप में। बाय बाय।